कहते हैं समय का पहिया अपने हिसाब से चलता है, कुछ ऐसा ही हो रहा है प्रयागराज में। देखा जाए तो क्राइम और पॉलिटिक्स के कॉकटेल ने कई बाहुबलियों को जन्म दिया। मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, इन बाहुबलियों की कहानियां भी OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है और तो और ऑडियंस भी इसकी खूब दीवानी है। क्राइम थ्रिलर को ऑडियंस खूब पसंद करती है, चाहे मिर्जापुर वेब सीरीज हो या पाताल लोक या फिर रक्तांचल। ये ऐसी कई क्राइम थ्रिलर हैं जो ऑडियंस की पसंदीदा है। इन सबके बीच ऐसा रोमांच पैदा नहीं होगा जो प्रयागराज में पाल कुनबे और अतीक अहमद के बीच चली आ रही खूनी रंजिश के कारण सामने आया है। नमस्ते, मैं हूं ऋषभ कांत, आप हैं मंच पर। बीते दिनों प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद यूपी समेत पूरे देश में गुजरात की जेल में बंद माफिया से नेता बने अतीक अहमद का नाम जोरों पर है। जिस तरह उमेश पाल की हत्या हुई, वायरल वीडियो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने किसी फिल्म का सीन चल रहा है जिसमें हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो स्क्रिप्टेड है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये कहानी सिर्फ अतीक अहमद के इर्द गिर्द घूमती है? अगर आप सोच रहे हैं हाँ, तो आप गलत हैं। दरअसल गैंग्स ऑफ इलाहाबाद की इस कहानी में तमाम कड़ियां हैं और इन कड़ियों में अतीक के बाद अगर कोई सबसे बड़ी कड़ी है तो वो और कोई नहीं बल्कि 18 साल पहले हुए राजू पाल का मर्डर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में राजू पाल भी एक जमीन कारोबारी की तरह काम करता था। साल 2004 में अतीक अहमद ने अपने दबदबे वाली इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट को खाली किया और खुद फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। शहर पश्चिमी की विधानसभा सीट पर उन्होंने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा से टिकट दिलाया। इसी चुनाव में पाल वोटों को एकजुट करने के लिए बसपा ने राजू पाल पर दाव खेला और बसपा का टिकट दिया। राजू पाल ने अशरफ को चुनाव हरा दिया क्योंकि राजू की जीत अतीक के वर्चस्व के लिए चुनौती जैसी थी। चंद दिनों के बाद ही 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को उनके घर के नजदीक गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी। उमेश पाल राजू पाल के बचपन के मित्र थे। राजू की हत्या के बाद वो गवाह बने। बताया जा रहा है कि उमेश ने अतीक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। कई बार धमकी के बावजूद वो पीछे नहीं हटे। उमेश को 2016 के एक मर्डर केस में नामजद भी किया गया था, हालांकि कुछ समय बाद उसे क्लीन चिट मिल गई थी। बाहुबली अतीक अहमद पूर्व सांसद और पूर्व विधायक है। राजू पाल हत्याकांड के अलावा अतीक पर दर्जनों की संख्या में मुकदमे हैं। सबसे ज्यादा मामले धमकी देने और जमीन पर कब्जा करने के हैं। फिलहाल वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अभी बीते दिनों ही अतीक ने पेशी के दौरान योगी की तारीफ की थी, जिसके बाद लगने लगा था कि BJP में एंट्री लेकर जेल से बाहर आना चाह रहा है, लेकिन BJP ने कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी थी। राजनीति के लिहाज से इलाहाबाद शहर पश्चिमी की सीट हमेशा ही अहम रही है। इस सीट पर लगभग 85,000 मुस्लिम वोट और 40,000 पाल वोट हैं। कुल वोट 4,50,000 के आसपास हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का काला कारोबार भी यहां फल फूल रहा है। कौशाम्बी और इलाहाबाद के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जमीन खाली पड़ी है। प्रयागराज का एयरपोर्ट इस क्षेत्र में बन जाने के बाद इस कारोबार में और तेजी आ गई है। बात की जाए पकड़ और दबदबे की, तो अभी भी अतीक के गुर्गों का ही क्षेत्र में दबदबा है। अतीक की पकड़ अभी भी क्षेत्र में बनी हुई है। अतीक को प्रशासन और सरकार ने लाख चोट पहुंचाई हो, लेकिन प्रयागराज के लोगों का मानना है कि अभी उसकी 25% संपत्ति को ही सरकार जब्त कर पाई है। लेकिन लोगों का मानना है कि अतीक की संपत्तियां कई गुना ज्यादा है। उमेश पाल का कोई गैंग नहीं था, वो अधिकारियों का करीबी माना जाता था। उमेश की BJP नेताओं के साथ पकड़ उसे मजबूत बना रही थी।
उमेश के आलीशान बंगले को देखकर कहा जा सकता है कि उसने प्रॉपर्टी के काम में जबरदस्त कमाई कर रखी थी। क्राइम थ्रिलर की इस कहानी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।